नमस्कार। चुमका दिनभर की खबरों में सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। सम्मेलन के कार्यक्रम में पहुंचे मुख्यमंत्री डॉक्टर राहुल गांधी, किसी के साथ मतभेद और न ही मतभेद। पर्यावरण संरक्षण के लिए हम जिम्मेदार है। सब एक हो जाते हैं, आज यह बात 100% सच साबित हुई। पूर्व मंत्री और भाजपा की वरिष्ठ नेता डॉक्टर राम प्रताप आज संगठन के कार्यक्रम में पहुंचे और आपसी फूट के आरोपों को नकारा। भाजपा की स्थानीय राजनीति के लिए ऐसा काफी अरसे बाद हुआ जब पूर्व मंत्री डॉक्टर राम प्रताप और भाई जसपाल सिंह एक साथ मंच पर नजर आए। संगठन से दूर रहने वाले पूर्व मंत्री आज संगठन के कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे। इतना ही नहीं, उन्होंने सबके सामने कहा कि पार्टी के किसी नेता अथवा कार्यकर्ता के साथ मेरा कोई मन भेद नहीं है और न ही मतभेद है। हमारे में न कोई मन भेद है, न कोई मतभेद है, एक ही लक्ष्य है। और इसके अलावा मैं निवेदन करूं कि जहां तक मेरी जानकारी है, इससे अन्य किसी कार्यकर्ता को नहीं सोचती है। अगर कोई टीट को अनुमति ला रही इन सफर करोगा तो सारा नहीं टीट मिलेगी। जब अपना हाथ बनेगा तो टीट सारों की होगी, तो बाकी क्या रहेगा। उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हमें सबको एकजुट होकर के चलना है। मंच पर एक दूसरे के धुर विरोधियों को एक साथ बैठा देख कार्यकर्ताओं को सुखद आश्चर्य हो रहा था। जिलाध्यक्ष काशीराम गोदारा और नगर मंडल अध्यक्ष डॉक्टर भारतभूषण शर्मा भी मंच पर नजर आए। प्रदेश महामंत्री कालीचरण सराफ ने कहा कि पार्टी को सत्ता की दहलीज तक पहुँचाने के लिए सबको एकजुट होने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि अब वो समय नहीं है कि हम एक दूसरे की खिंचाई करें और शिकायत करें, हमें एकजुट होकर चुनाव जीतने के लिए प्रयास करना होगा। पूर्व मंत्री रामलाल जाट ने कहा कि सुराज संकल्प यात्रा के माध्यम से प्रदेश में पार्टी के पक्ष में लहर है, हमें तो जनता की भावना के साथ रहना है। जिलाध्यक्ष काशीराम गोदारा ने कहा कि हनुमानगढ़ जिले के लोग पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को सुनने के लिए बेताब हैं। जिले भर में ऐतिहासिक सभाएं होंगी जिसे अच्छा मैसेज जाएगा। राजस्थान प्रदेश में आम जन के साथ जुड़ाव पैदा करते हुए और 14 जून को हनुमानगढ़ जिले की धरती में प्रवेश करेगी और 14 जून के बाद में 15 जून और 15 जून के बाद में 16 जून को हनुमानगढ़ विधानसभा क्षेत्र की धरती पर वो यात्रा प्रवेश करने वाली है। पर्यावरण संरक्षण देश की समस्या है, इसके लिए हमें अपने स्तर पर प्रयास करने की जरूरत है। बेबी हैप्पी पीजी कॉलेज में हुए कार्यक्रम में एडीएम वीएल मेहरा ने यह बात कही। कार्यक्रम में काफी संख्या में गणमान्य लोगों ने भाग लिया। पर्यावरण सही होगा तो हमारा जीवन रहेगा। आबादी बढ़ने के साथ साथ पेड़ पौधे घटते जा रहे हैं, जिससे पर्यावरण पर विपरीत असर पड़ने के साथ साथ हमारे स्वास्थ्य पर भी विपरीत असर पड़ रहा है। पर्यावरण संतुलन बनाए रखने के लिए जरूरी है कि हम अधिक से अधिक पौधारोपण करें। यह शब्द आज विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में जिला पर्यावरण समिति एवं वन विभाग द्वारा बेबी हैप्पी मॉडर्न पीजी कॉलेज में आयोजित विचार गोष्ठी में वक्ताओं ने व्यक्त किए। आज विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में जिला पर्यावरण समिति एवं वन विभाग द्वारा विचार गोष्ठी के साथ निबंध एवं चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन भी महाविद्यालय परिसर में किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि अतिरिक्त जिला कलेक्टर बीएल मेहड़ा थे, जबकि अध्यक्षता जिला वन अधिकारी हरलाल सिंह ने की। विशिष्ट अतिथि बेबी हैप्पी मॉडर्न पीजी कॉलेज के डायरेक्टर तरुण विजय थे तथा मुख्य वक्ता समाज सेवी भीष्म कौशिक और नरेश महंत थे। एडीएम बीएल मेहड़ा ने कहा कि आज मानव जीवन के लिए पर्यावरण की महती आवश्यकता है। जब तक पर्यावरण संतुलित नहीं रहेगा तब तक हमारा जीवन भी संतुलित नहीं रहेगा, इसलिए पर्यावरण का संतुलित रहना नितांत आवश्यक है। भीष्म कौशिक ने आह्वान किया कि वे अपने अपने घर में एक एक तुलसी का पौधा अवश्य लगाएं, क्योंकि तुलसी के पौधों अनेक बीमारियों के इलाज में लाभकारी है। नरेश महन ने अधिक से अधिक पेड़ लगाकर पर्यावरण संरक्षण में भागीदारी निभाने का आह्वान किया। डीएफओ हरलाल सिंह ने कहा कि पर्यावरण से हम सभी प्रभावित होते हैं और वो खराब हो रहा है, और अगर इस पर शीघ्र ही नियंत्रण नहीं पाया गया तो आने वाले समय में मनुष्य का जीना मुश्किल हो जाएगा। उन्होंने कहा कि आज हम जो भी निर्माण कार्य करते हैं या कोई भी कार्य करते हैं उससे कहीं ना कहीं पर्यावरण अवश्य प्रभावित होता है, इसलिए हमें यह संकल्प लेना चाहिए
कि हम चाहे जो भी कार्य करें उससे पर्यावरण कम से कम प्रभावित हो। वन अधिकारी हरलाल सिंह ने कहा कि आज हमारे द्वारा किए जाने वाले अनेक प्रकार के आयोजनों में बचा हुआ सामान हम इधर उधर फेंक देते हैं, जिससे कि गंदगी फैलती है, उसके साथ ही पर्यावरण भी प्रदूषित होता है। जबकि हमें ये प्रण लेना चाहिए कि हमारे आयोजन में बचा हुआ सामान हम गरीबों में बांट दें ताकि उसका सदुपयोग हो सके और पर्यावरण भी प्रदूषित होने से बच सके। उन्होंने उपस्थित जनसमूह से अपील की कि वे आज पर्यावरण दिवस पर यह संकल्प लें कि वे आज से अपने आसपास एक एक पौधा अवश्य लगाएं। समारोह को संबोधित करते हुए विशिष्ट अतिथि एवं महाविद्यालय के डायरेक्टर तरुण विजय ने कार्यक्रम आयोजन के जिला पर्यावरण समिति एवं वन विभाग का आभार प्रकट करते हुए कहा कि आज हमारे द्वारा किए जाने वाले कार्यों से पर्यावरण बहुत अधिक प्रदूषित हो रहा है, जो कि मानव जीवन के लिए खतरनाक है। पर्यावरण संतुलन के लिए यह आवश्यक है कि हम एक एक पौधा अवश्य लगाएं। उन्होंने कहा कि केवल पौधा लगाना ही हमारा ध्येय नहीं होना चाहिए, बल्कि पौधा लगाकर उसके वृक्ष बनने तक हमें उसकी देखभाल करनी चाहिए। विचार गोष्ठी के बाद हुई निबंध प्रतियोगिता में अर्चना गोदारा प्रथम, इंद्रा द्वितीय और कविता तृतीय स्थान पर रही। चित्रकला प्रतियोगिता के सीनियर वर्ग में प्रेमलता प्रथम, मंजू भाटी द्वितीय और रीना तृतीय, जबकि जूनियर वर्ग में स्नेहा प्रथम, अंशिका बिश्नोई व हीना द्वितीय तथा हर्ष कपिल तृतीय स्थान पर रहे। क्या हम जो कुछ करते हैं सुबह से शाम तक उससे पर्यावरण प्रदूषित होता है? क्या हम जीने के लिए जो तरीके अपनाते हैं, जो धंधे करते हैं, काम करते हैं, व्यापार करते हैं, इंडस्ट्री खोलते हैं, मकान बनाते हैं, उससे पर्यावरण खराब होता है? तो क्या हम इन सब कामों को करना बंद कर दें या कोई सामंजस्य बिठा लें जिससे पर्यावरण भी खराब ना हो और अपना विकास भी होता रहे? इस बात पे करना है विचार। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून 2013 का जो थीम इस साल पूरी दुनिया को दिया गया है वो है विचार करो, खाओ और बचाओ। समाचार अभी और भी हैं, देखते रहिए दिन भर की खबरें। आप अपने करियर को लेकर चिंतित हैं और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में जाना चाहते हैं तो अब आप चिंता न करें और संपर्क करें सराफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी से। श्री गोपीराम सराफ सेवा ट्रस्ट चेन्नई द्वारा संचालित इस संस्था में बीटेक और पोल टेक्निकल डिप्लोमा के कोर्सेज करवाए जाते हैं, जिसमें बीटेक में सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग करवाई जाती है। पॉलिटेक्निकल डिप्लोमा में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग करवाई जाती है। इसके अलावा महाविद्यालय में आधुनिक कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, विशाल लाइब्रेरी, इंडोर आउटडोर खेल सुविधा, लड़के व लड़कियों के लिए अलग अलग छात्रावास सुविधा, कैंटीन सुविधा, विशाल खेल के मैदान आदि सुविधाएं हैं। तो संपर्क करें सराफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, टीबी रोड एक्सटेंशन, बुरसा रोड, हनुमानगढ़ टाउन। बेबी हैप्पी मॉडर्न पीजी कॉलेज, अ ब्रांड फॉर क्वालिटी एजुकेशन द्वारा स्टूडेंट्स के करियर को ध्यान में रखते हुए विभिन्न प्रकार के कोर्सेज करवाए जाते हैं, जैसे MSc, MA, BCA, BBA, BSc, BCom, BA। कॉलेज में वेल क्वालिफाइड लेक्चरर्स की कड़ी मेहनत से लगातार 3 वर्षों से स्टूडेंट्स ने महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय की मेरिट लिस्ट में अपना नाम लाकर शिक्षा के क्षेत्र में एक नया रिकॉर्ड कायम किया। हाय, आई एम नूरजहां, मैं BBA की स्टूडेंट हूँ। मैंने BBA फर्स्ट ईयर में यूनिवर्सिटी में 3rd रैंक प्राप्त किया था। इसका सारा श्रेय मैं अपने मैनेजमेंट और स्टाफ को देना चाहूँगी, जिन्होंने यहाँ पर मुझे इतनी अच्छी फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाई। सिमरनजीत कौर, फर्स्ट ईयर आई स्कोर 80% मार्क्स एंड फॉर दिस आई वुड लाइक टू थैंक फॉर बेबी हैप्पी मॉडर्न PG कॉलेज। द एनवायरमेंट ऑफ दिस कॉलेज इज वेरी लर्निंग एंड आई हैव लर्नड अ लॉट ऑफ ड्यूरिंग दिस 2 ईयर्स। कॉलेज में कॉर्पोरेट वर्ल्ड की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए समय समय पर करियर गाइडेंस सेमिनार्स और वोकेशनल कोर्सेज आयोजित किए जाते हैं। महाविद्यालय में लाइब्रेरी, लैब्स,
वाईफाई, प्लेग्राउंड, कैंटीन, ट्रांसपोर्ट आदि फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती है। संस्था का उद्देश्य स्टूडेंट्स को एकेडमिक्स के साथ साथ एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज जैसे कल्चरल, स्पोर्ट्स आदि में संपन्न बनाना है। हमारे यहाँ पर आपको आकर्षक कीमतों पर 32 इंच एलईडी एलसीडी टीवी उपलब्ध हैं। डीजे वर्ल्ड के शोरूम पर आपको आकर्षक ब्रांड वीडियोकॉन, सेंसुई, कैलविनेटर, इलेक्ट्रोलैब, फिलिप्स, पैनासोनिक, कैंस्टार आदि के होम अप्लायंसेस मिलेंगे। यहाँ पर एलईडी एलसीडी टीवी, एसी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव, वाटर हीटर आदि इलेक्ट्रॉनिक सामान आकर्षक कीमतों पर एक ही छत के नीचे मिलेंगे। मैं दीपक बंसल, बंसल रेडियो कॉर्पोरेशन, बंसल इलेक्ट्रो पावर, डीजी वर्ल्ड, हनुमानगढ़। हमने ये कामना की थी कि हम वर्ल्ड कप जीतेंगे, वो वर्ल्ड कप हम जीत चुके हैं। और मैं आपसे ये निवेदन करता हूँ कि जिले का सर्वप्रथम डीजी वर्ल्ड पर हर बढ़िया से बढ़िया वर्ल्ड की कंपनियाँ जो एसी, एलसीडियाँ और वॉशिंग मशीनें, माइक्रो ओवन, होम अप्लाइज जो भी रखते हैं, आप हमें सेवा का मौका देवें उचित मूल्य पर और फुल गारंटी पर आपको इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन यहाँ प्राप्त होंगे। जय हिंद, वंदे मातरम। संपर्क करें डीजी वर्ल्ड, टाउन जंक्शन रोड, विजय सिनेमा के सामने, हनुमानगढ़ टाउन। मीट कलेक्शन, एक कंप्लीट जेंट्स वेयर शोरूम। आपको जेंट्स वियर में रेडीमेड गारमेंट्स, इंपोर्टेड शूज, चप्पल आदि की भरपूर वैरायटी मिलेगी। वैरायटी ऐसी जो आपको देखते ही मन भा जाए, रेट ऐसे जो आपको पसंद आ जाए। यदि आप कम कीमत में अच्छी वैरायटी खरीदना चाहते हैं तो तुरंत संपर्क करें। हमारा पता है मीत कलेक्शन, खोसा कॉम्प्लेक्स, नजदीक श्री राम मार्केट, हनुमानगढ़ जंक्शन। भारतीय सिंधु सभा की डाउन इकाई द्वारा सिंधी पंचायत घर में समर कैंप का आयोजन किया गया। शिविर का उद्घाटन बालकृष्ण करमचंदानी, सेवाराम सुखीजा आदि ने किया। पूज्य सिंधी पंचायत के सहयोग से आयोजित इस शिविर के प्रथम दिन 50 बच्चों का पंजीयन किया गया। इस अवसर पर सिंधु सभा के सह प्रभारी किशनलाल ने समर कैंप के उद्देश्यों के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि शिविर का उद्देश्य बच्चों में उच्च आदर्श, गुण व नैतिक शिक्षा के साथ साथ सिंधी भाषा, सभ्यता, संस्कृति का ज्ञान प्रदान करना है। शिविर में बच्चों को प्रार्थना, ध्यान, योग, कला, खेल, संगीत के हल्के फुल्के कार्यक्रमों के साथ तनाव रहित शिक्षा प्रदान की जाएगी। कार्यक्रम प्रभारी घनश्याम दास ने बताया कि अगले कुछ दिनों में बच्चों की संख्या लक्ष्य तक पहुंच जाएगी। शिविर आगामी रविवार तक सुबह 8 बजे से 11 बजे तक चलेगा। कैंप में रोज योग के साधन सिखाए जाते हैं, बच्चों को डांस की भी शिक्षा दी जाती है। इसके अलावा बच्चों में सिंधी भाषा और सिंधी संस्कृति का भी विशेष तौर से समाज की तरफ से महत्व रखा गया है। ये समर कैंप भारतीय सिंधु सभा की तरफ से पहली बार ही 8 दिन का लगा है, जिसका आज 4th दिन है। बच्चों में इस कार्यक्रम के प्रति अत्यधिक ज़्यादा रुचि है। बच्चों को सिंधी सभ्यता के या सिंधी भाषा के अलावा भी देशभक्ति के बारे में बताया जा रहा है। जंक्शन स्थित आदर्श बाल निकुंज विद्यालय में आज विश्व पर्यावरण दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस अवसर पर स्कूली बच्चों ने पौधारोपण कर पक्षियों के लिए परिंदे लगाए। पर्यावरण दिवस पर आज गांधीनगर स्थित आदर्श बाल निकुंज विद्यालय में बच्चों ने पर्यावरण को बचाने का संकल्प लिया। इस अवसर पर वार्ड पार्षद नगीनाबाई ने पौधारोपण कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इसके बाद सभी स्कूली बच्चों व अध्यापकों ने पौधारोपण किया और गर्मी के मौसम को देखते हुए पक्षियों को पीने का पानी उपलब्ध करवाने के लिए पेड़ों पर परिंदे बांधे। स्कूली बच्चों व अध्यापकों ने परिंदों में रोजाना पानी डालने का संकल्प भी लिया। सभी बच्चों ने और स्टाफ ने जो है अलग अलग प्रकार के पौधे जो हैं स्कूल में लगाए हैं गमलों में, उनकी हम सारी संभाल करेंगे। टीचर्स भी करेंगे, बच्चे भी करेंगे। इसके अलावा हमने जो परिंदे बांधे हैं उस परिंदों में भी पानी जो है सदैव हम देते रहेंगे, ताकि पक्षी
जो है वो कभी भी प्यास प्यासे ना रहे। और अभी वक्त है लंच जंक्शन स्थित राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में चल रहे अभिरुचि शिविर में बालक बालिकाएं व युवतियां बड़े उत्साह से प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। राजस्थान राज्य भारतीय स्काउट व गाइड द्वारा ग्रीष्म काल में बच्चों के समय का सही सदुपयोग करने व रचनात्मक दृष्टिकोण का मार्ग प्रशस्त करने के लिए हर वर्ष अभिरुचि शिविरों का आयोजन किया जाता है। अभिरुचि शिविर में बालिकाओं को कई तरह की कौशल कलाओं में पारंगत किया जा रहा है, साथ ही युवतियों और महिलाओं को भी स्वावलंबी बनाया जा रहा है। शिविर में ब्यूटी पार्लर, नृत्य, मेहंदी, गायन, सिलाई, साज सज्जा, इंग्लिश स्पीकिंग सहित कई तरह के प्रशिक्षण ट्रेनरों द्वारा दिए जा रहे हैं। अभिरुचि शिविर में इंडोर गेम जैसे चेस, कैरम बोर्ड, लूडो, सांप सीढ़ी, चाइनीज चक्कर आदि की व्यवस्था भी की गई है। विशेष दक्षता एवं 75% उपस्थित प्रशिक्षणार्थियों को प्रमाण पत्र दिए जाएंगे। बच्चों को रुचि के अनुसार सिलाई, रेगजिन वर्क, ड्राइंग, पेंटिंग, ब्यूटी पार्लर के कोर्स करवाए जा रहे हैं और बच्चे बड़ी रुचि से तत्परता से ये सीख रहे हैं और इन्हें काफ़ी इससे ज्ञान होता है और ये अपना जीवन में उसका उपयोग करते हैं। पहले मुझे कुछ नहीं आता था, पर जब से मैं यहाँ पे आई हूँ मुझे तरह तरह के सलवारें, कुर्ते, कमीज़ आदि बनाने आ गए हैं। कम कपड़ों में किस तरह से ब्लाउज़ बनाया जाता है यहाँ पे ये भी सिखाया है। मेरी अध्यापिकाएँ मुझे हर चीज़ बहुत ही अच्छे से समझाती हैं। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रुझान देखते रहिए समाचार। नमस्कार।